कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी है सुबह का टाइम, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे सारे काम हो गए हैं, वॉक पे जाके आ गई हूँ, झाड़ू पोछे हो गए, पूजा हो गई। अभी मैं बना रही हूँ सैगार, और सैगार में मैं आज बनाने वाली हूँ साबूदाना खिचड़ी। तो साबूदाना खिचड़ी के लिए मैंने साबूदाना 2 घंटे पहले ही भिगो दिए थे, बहुत अच्छे से भीग गए हैं और आप देख सकते हैं एकदम मोती के जैसे खिले खिले साबूदाना हो गए हैं। और मैंने यहाँ पे काटा है 1 हरी मिर्च और 1 छोटा सा आलू, और मूंगफली ली है जिसको फ्राई करके डालेंगे। और हाँ, मैंने जो पहले नवरात्रे में व्रत वाला शाही पनीर बनाया था, उसमें किसी ने पूछा था कि व्रत में लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, मैं खाती हूँ तो मैंने डाल दिया। और अगर आप शाही पनीर बनाना चाहते हैं व्रत के लिए तो जरूरी नहीं कि आप लाल मिर्च पाउडर डालें। आप जो ग्रेवी के लिए हमने सब्जियां पकाई थी उसमें सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं और सब्जियों के साथ पका के पीस सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले नवरात्रे का ब्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और उसी ब्लॉग के नीचे एक कमेंट आया था कि आपने ये कॉर्ड सेट कहाँ से लिया, उस दिन मैंने कॉर्ड सेट पहना था तो वो कहाँ से लिया। तो अगर आप जोधपुर से हैं तो आप जानते होंगे ओनली ब्रांड। मैं ज़्यादातर 90% ऐसा होता है कि सलवार सूट या जो भी ज़्यादातर कपड़े मैं ओनली ब्रांड से ही लेती हूँ, मुझे वहाँ के कपड़े पसंद आते हैं। तो अगर आप जोधपुर में हैं तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। तो चलिए खिचड़ी बनानी शुरू करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई में जो कुछ सवाल पूछे जाते हैं उनके रिप्लाई मैं ब्लॉग में कर दूँ। तो बस इसीलिए तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा तेल, और ये तेल वही है जो कल मैंने तीसरे नवरात्रे में वो बनाए थे पकोड़े, व्रत वाले पकोड़े। तो वो ब्लॉग आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने व्रत वाले पकोड़े बनाए थे, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बने थे। और ये है 4th नवरात्रा, नवरात्रे का 4th दिन। तो बस साबूदाना खिचड़ी बनानी शुरू करते हैं, और आज सांग भी आने वाली है तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके मैं उसको भी लेने के लिए जाऊंगी। और मैंने लिए यहाँ पर मीठे नीम के पत्ते, अच्छे लगते हैं इस खिचड़ी में, आपके पास अगर मीठा नीम है तो जरूर डालिएगा। सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। और आप लोग बताइएगा आप लोग व्रत में क्या क्या बना करके खाते हैं, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मूंगफली फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकालेंगे, जीरा डालेंगे और आलू और हरी मिर्च डाल देंगे। लो फ्लेम पे हम आलू और हरी मिर्च को पका लेंगे, आलू थोड़े सॉफ्ट कर लेंगे। और करी पत्ते भी डाल देंगे, आलू को जल्दी पकाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक, और ढक्कन लगा देंगे। और आप लोग बताइएगा कौन कौन नवरात्रे कर रहा है, कौन पूरे 9 नवरात्रे कर रहा है, और कौन कौन एक टाइम खाना खा के व्रत खोल के नवरात्रे कर रहा है, या फिर कोई सिर्फ फ्रूट्स और दूध पे नवरात्रे कर रहा है, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। पहले जब मैं शादी से पहले बहुत सारे व्रत करती थी, लक्ष्मी माता का, शुक्रवार का, शुक्रवार संतोषी माता का, और संतोषी माता का जो व्रत करती थी ना उसमें मैं खाना बिल्कुल नहीं खाती थी और पूरे दिन ऐसे रहती थी बिना खाए। और फिर क्या करती थी, शाम को इतने से चने, भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ और 1 गिलास दूध, इससे मैं व्रत खोलती थी, क्योंकि बोलते हैं संतोषी माता के व्रत में बिल्कुल भी खट्टा खाना नहीं है, कोई भी चीज़ को खट्टा हाथ लग जाता है किचन में। तो फिर मैं खाना ही नहीं खाती थी, सिर्फ दूध गुड़ चने से व्रत खोलती थी और फिर नेक्स्ट डे ही खाना खाती थी। और लक्ष्मी माता का जो व्रत करती थी उसमें मैं शाम को खाना खा लेती थी। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे व्रत करते हो, आप लोग सैगार करते हो या नहीं। और शादी के बाद जब मैं गुरुवार का व्रत करती थी उसमें पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास दूध लेती थी और शाम को खाना खाती थी, तो सैगार के नाम पर सिर्फ 1 गिलास दूध होता था और शाम को फिर मैं खाना खा लेती थी।
यहाँ पर आलू हमारे पक चुके हैं, अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। और ढक्कन लगा के टमाटर को भी पका लेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लोग लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हो व्रत में, तो आप इसकी जगह सूखी हुई लाल मिर्च डाल सकते हो कूट करके, या हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के डाल सकते हो। और सेंधा नमक, लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के मसाले को भी हम पका लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें पानी मत डालिएगा, बिना पानी के ही मसाले को भूनिएगा। और यहाँ पर हमारा मसाला भून चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे साबुदाना। और अभी भी हमारे जो गैस की फ्लेम है वो एकदम लो है, तो अभी अच्छे से मिला देंगे। लो फ्लेम पे आधा या एक मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे ढक्कन लगा करके। और अभी हम इस पे डालेंगे जो हमने मूंगफली फ्राई करके रखी थी वो। फ्रेश कटा हरा धनिया, आधा नींबू का रस, और यहाँ पर हमारी साबूदाना खिचड़ी हो गई है तैयार। और आपके पास नींबू है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है नींबू इसमें। और मेरी रेसिपी देख के आप खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं पैक करूँगी पतदेव का टिफिन, मतलब जो मैं सहगार बनाती हूँ वो उनको लंच बॉक्स में देती हूँ, क्योंकि हम दोनों नवरात्रे कर रहे हैं नौ, और एक टाइम खाना भी नहीं खाते हम लोग, सिर्फ एक टाइम सहगार करते हैं। जो भी मैं कुछ गर्म बनाती हूँ उनके टिफिन में पैक करती हूँ, और वो अपना सहकार करते हैं ऑफिस में। जिसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी ये आलू की चिप्स, जिसे मैंने घर पर फ्राई करके नमक मिर्ची लगा दी है, तो थोड़ी सी ये डाल दूंगी। थोड़ी थोड़ी पैक करूंगी ये साबुदाना खिचड़ी। और मैंने दूसरे नवरात्रे में, पहले नवरात्रे पे बनाई थी मैंने आलू की सब्जी, राजगीरे के आटे की रोटी, और शाही पनीर, और क्या क्या बना था मुझे याद नहीं है। दूसरे नवरात्रे पे मैंने बनाई थी वो सामा की खिचड़ी। तीसरे नवरात्रे पे मैंने बनाए थे मैंगो खीर व्रत वाली, और मेरे लिए शायद पनीर का कुछ बनाया था तीसरे नवरात्रे पे, और सब ये व्रत वाले पकोड़े। तो आप तीसरे नवरात्रे वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, वैसे तो तीनों ही देखिएगा, सब में मैंने कुछ ना कुछ नया बताया है। तो अगर आप लोग कुछ नया ढूंढ रहे हो व्रत में खाने वाला तो आप ले सकते हो। तो बस टिफिन बंद कर देते हैं, और यहाँ पर पत्तियों का टिफिन हो गया है पैक। अब बस मैं उनके लिए बनाऊंगी मसाला छाछ। Nice. और यहाँ पर हमारी मसाला छाछ तैयार। अब मैं मिलती हूँ सीधा जब मैं सानू को एयरपोर्ट लेने के लिए जाऊंगी। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार सानू को एयरपोर्ट लेने जाने के लिए, और मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि सानू आ रही है दिवाली के बाद, वो आई भी नहीं है। मतलब हर्षू का तो फिर भी ऐसा हो रहा था कि एक महीने में उसका चक्कर, हर महीने उसका चक्कर लग रहा था, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए वो आ ही रहा था, कभी चार पांच दिन के लिए। आपने देखा वो कंटिन्यू दिसंबर में भी आया था, जनवरी में भी आया था, फरवरी में भी आया,
तो इसीलिए तो हर्षु तो अभी गया है, सानू दिवाली पे गई थी, जो सीधी अभी आ रही है क्योंकि उसका बैक टू बैक कॉलेज चल रहा था, उसकी छुट्टी भी नहीं थी, उसके टेस्ट चल रहे थे, एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद दिवाली पे वो गई थी, जनवरी 26 जनवरी के करीब हम उससे मिलने भी गए थे, 2 दिन 3 दिन हम मुंबई रह के आए थे उसके पास। और अभी वो आ रही है, 1 बज गया है, मैं अभी निकलूंगी क्योंकि उसकी फ्लाइट लैंड करेगी शायद 1:30 बजे के करीब, तो मैं 1 बजे निकलूंगी तो 1:30 बजे पहुंच जाऊंगी। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड है कि इतने टाइम बाद वो आ रही है, हालांकि वो 15-20 दिन के लिए आ रही है, वापस जल्दी चली जाएगी, उसकी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी आ रही है उतनी ही अच्छा है। और कल रात को ना मेरी इतनी मतलब तबीयत ख़राब हुई, जो मेरा लेफ्ट शोल्डर है उसमें पेन होने लग गया क्योंकि मेरे वो चणक आ गई थी फिर, और उसके बाद मेरे यहाँ ना मेरे गैस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों के पास गैस का कोई इलाज हो ना तो मुझे बताना प्लीज़। तो मेरे ना गैस की वजह से ना यहाँ पर यूँ ना अजीब सा फूल गया था, दर्द होने लग गया था, तो मैं एक तो वैसे भी डर गई क्योंकि यहाँ पे गले में ये क्या हो गया। उसके बाद ना चलो गैस की वो सब काला नमक वो सब पिया तो वो तो सही हो गया, चणक हो गई। फिर मैंने भगवान जी से हाथ जोड़ा, मैं भाई मेरी बेटी इतने दिनों बाद आ रही, मैं चाहती हूँ मैं उससे बहुत अच्छे से रखूँ, उसका मनपसंद खाना बनाऊँ, उसके लिए सब कुछ करूँ, वरना क्या होता जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो आपका कुछ भी करने को मन नहीं करता, फिर आपका मन करता बस पड़े रहो पड़े रहो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इतने दिनों बाद आए और वो मेरे को ऐसे दिखे, हाँ मम्मी बीमार है मम्मी पड़े हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब ज़्यादा फिर मैं, हाँ मैंने भगवान जी को हाथ जोड़ा और सच में मैं सुबह उठी तो मेरी सारी तकलीफें दूर थी, मेरा दर्द भी गायब हो चुका था क्योंकि कल शाम को मैंने सेक किया और थोड़े से हाथों के एक्सरसाइज की तो मेरा कटका निकला और चणक सही हो गई और गले का जो दर्द था वो भी चला गया और मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो चलिए बातें नहीं करते, टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं लेट पहुँचूँ और सानू को वेट करना पड़े। लाइटें बंद कर देते हैं और यहाँ पर सानू का सूटकेस रखने के लिए मैंने ये टेबल खाली कर दी है। यहाँ पर वैसे ये 2 बॉक्स रहते हैं और मेरा ट्राईपॉड रहता है, ट्राईपॉड मैंने हटा दिया है ताकि वो अपना सूटकेस यहाँ पर रख सके। तो चलिए जी पहुँच गए हैं, नहीं पहुँचे नहीं हैं, अभी हम चले हैं, अभी मैं निकली हूँ घर से और मुझे टाइम लगेगा कम से कम 30 से 35 मिनट, तो अब बस सीधा मैं आपको पहुँच करके एयरपोर्ट फिर ही मिलूँगी और बीच में मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चलाऊंगी, यानी कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। इन दिनों पुलिस वाले भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रखे हैं, तो मैं 1000-2000 का भचीड़ बुला दूँ, इससे अच्छा है कि मैं ब्लॉग ना बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे सानू के साथ। चलिए जी पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, बाहर ही मैंने पेड़ की छांव के नीचे गाड़ी खड़ी कर ली है और आज यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है, बाकी इस रोड पे ना गाड़ी खड़ी करने ही नहीं देते, दूर भेज देते हैं और वहाँ पे कोई छाया भी नहीं है, धूप में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, लेकिन मुझे नजर भी रखना पड़ेगा, अगर कोई पुलिस वाला आ जाएगा तो मुझे वापस दूर जाना पड़ेगा, लेकिन आज यहाँ पर खूब सारी गाड़ियां खड़ी है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मुझे ऐसा लगता है। और आज मैं टाइम से पहुंच गई हूं तो सानू की फ़्लाइट नहीं आई है, और पिछली बार जब अर्शु की फ़्लाइट आने वाली थी तो क्या हुआ था कि अर्शु की फ़्लाइट आ गई थी, अर्शु लैंड हो गया था, सामान ले रहा था और हम लोग लेट थे, और आज मैं पहले आ गई हूं तो सानू की फ़्लाइट नहीं आई अभी तक, और मैं बीच बीच में बाहर देख रही हूँ क्योंकि पुलिस वाला नहीं आ जाए, फालतू 1000 रुपये का या पता नहीं कितना भचीड़ बुला देगा। और आपको पता है मेरे को है ना वैसे भी टाइम से पहुंचने की एक बीमारी है, मतलब मुझे या तो टाइम से पहुंचो या टाइम से पहले पहुंच जाओ, मुझे लगता है कि देर से नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि जिसके यहाँ पहुंच रहे वो आपका इंतजार करता करता परेशान हो जाए। कुछ लोग आ रहे हैं लगेज लेके, क्या पता सानू की भी फ्लाइट आ गई है क्या। तो एक बार क्या हुआ, भावना जी ने हमें चाय पे बुलाया था सब दोस्तों को, उन्होंने टाइम दिया था 4 बजे का, शाम की इवनिंग टी बुलाया था, 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन हम लोग पहुंच गए थे, मेरी क्या आदत है जल्दी पहुंचने की, तो मैं 3 बजे निकली घर से और 4:15 बजे हम उनके घर के बाहर थे, मैं थी, रितु जी थे और पता नहीं कौन था। तो फिर अब 4:15 बजे हम लोग पहुंच गए, अब उनकी बैल कैसे बजाएं क्योंकि शर्म आ रही है यार, क्या सोचेंगे कि है ना 4 बजे का बुलाया 4:15 पहुंच गए। तो फिर हमने वेट किया और राइट 4 बजे उनके घर की घंटी बजा दी, तो वो खुद हैरान परेशान कि भाई 4 बजे का टाइम दिया तो 4:30-5 बजे तक सब लोग आएंगे, लेकिन हम ऐसे टाइम के पंचुअल लोग 4 बजे राइट पहुंच गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। और बस तो चलिए दोस्तों अभी मैं थोड़े बहुत गाने सुन लूँगी और क्योंकि मैं बैठे बैठे बोर होंगी, ब्लॉग में कितना ही क्या बोलूँ, मिलते हैं सानू के आने के बाद।
तो सानू का कॉल आ गया है और सानू की फ्लाइट लैंड कर चुकी है, बस वो लगेज ले रही है और फिर वो आएगी बाहर और चलेंगे हम भी बाहर और देखते हैं सानू को कुछ बाहर से ही कुछ खिला पिला देंगे, क्योंकि हमने तो घर में वही सैगार का खाना बनाया था। उसने बोला मुझे सैगार का खाना नहीं खाना, मुझे कुछ बाहर से खिला दो, तो अभी देखते हैं वो क्या खाती है या फिर घर पे जाके कुछ बनाना पड़ेगा। दोस्तों अभी अभी मुझे नजर आई है नील गाय, पीछे मिरर में आपको नजर आ रही है नहीं, यार मेरे को बड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा है सुना है नील गाय ना गाड़ियां की गाड़ियां पलट देती है और पीछे ही मेरी गाड़ी से जस्ट पीछे खड़ी है। तो बस भगवान से प्रार्थना है जल्दी जल्दी भगवान सानू को बाहर भेज दो, हम यहाँ से निकल जाएं। सूटकेस रख, ओहो पर्स वर्स सब कुछ है। अभी हम लोग आए हैं भास्कर चौराहे, शानू पिएगी अपने लिए मैंगो शेक लेने गई है और वो बनवाएगी मोमोज, मोमोज खाएगी फिर घर जाएंगे और अभी मिलवाते हैं, वो ऑर्डर देने गई है मैंगो शेक का। तो जी शानू आ गई है, हेलो हाय कर सकते हो आप, हेलो। और शानू ने अपने लिए ऑर्डर किया है क्या, चाउमीन और मंचूरियन, चाउमीन और यही कचरा खाने के लिए मैं जोधपुर आती हूँ, यही मुझे पसंद है, बस ये लेकर के जाएंगे। बॉम्बे में नहीं मिलता ये, बॉम्बे में अच्छा खाना मतलब हाइजीन वाइज तो ठीक ही मिलता है, बट ये जो कचरा टेस्ट एकदम ऐसे मैल का है, मैल छी मम्मी गंदी मत बोल, गंदा लग रहा है जब से इंस्टाग्राम पे आने मत देखो, कोई बात नहीं मैं तो देख के भी खा लेती हूं, आई डोंट माइंड। चलो यही खाना, ये इतना सस्ता 100 रुपए में आ गया सब कुछ, कौन दे रहा 100 रुपए में, बॉम्बे में 100 रुपए में हवा भी महंगी 100 रुपए की से ज्यादा की आती है, तो बहुत ज्यादा महंगा खाना। मुंबई है भाई, मुंबई नहीं है, देर लगाएंगे भैया। ये देखो आज मैंने एक्स्ट्रा लगेज को पैसा दिया, हाँ पापा बोल रहे थे कि ना इतना लगेज एक्स्ट्रा लेके आई, 1100 रुपए लगे, यार 2 किलो ही एक्स्ट्रा था मैं क्या करती, मैं तो फिर वो तेरी बुक्स थी ना, बुक्स रख के आ जाती वहाँ पे, मम्मी मेरे को पढ़ना है और बुक्स में किसको दे के आती बेटा। चलो कोई बात नहीं, चलिए पहुँचते हैं घर पे फिर मिलते हैं आपसे, बाय। तो जी अभी हम लोग आए हैं भास्कर चौराहे, शानू पिएगी अपने लिए मैंगो शेक लेने गई है और वो बनवाएगी मोमोज, मोमोज खाएगी फिर घर जाएंगे और अभी मिलवाते हैं, वो ऑर्डर देने गई है मैंगो शेक का। तो जी सानू आ गई है, हेलो हाय कर सकते हो आप, हेलो। और सानू ने अपने लिए ऑर्डर किया है क्या, चाउमीन और मंचूरियन, चाउमीन और यही कचरा खाने के लिए मैं जोधपुर आती हूँ, यही मुझे पसंद है, बस ये लेकर के जाएंगे। बॉम्बे में नहीं मिलता ये, बॉम्बे में अच्छा खाना मतलब हाइजीन वाइज तो ठीक ही मिलता है, बट ये जो कचरा टेस्ट एकदम ऐसे मैल का है, मैल छी मम्मी गंदी मत बोल, गंदा लग रहा है जब से इंस्टाग्राम पे आने मत देखो, कोई बात नहीं मैं तो देख के भी खा लेती हूं, आई डोंट माइंड। चलो यही खाना, ये इतना सस्ता 100 रुपए में आ गया सब कुछ, कौन दे रहा 100 रुपए में, बॉम्बे में 100 रुपए में हवा भी महंगी 100 रुपए की से ज्यादा की आती है, तो बहुत ज्यादा महंगा खाना। मुंबई है भाई, मुंबई नहीं है, देर लगाएंगे भैया। ये देखो आज मैंने एक्स्ट्रा लगेज को पैसा दिया, हाँ पापा बोल रहे थे कि ना इतना लगेज एक्स्ट्रा लेके आई, 1100 रुपए लगे, यार 2 किलो ही एक्स्ट्रा था मैं क्या करती, मैं तो फिर वो तेरी बुक्स थी ना, बुक्स रख के आ जाती वहाँ पे, मम्मी मेरे को पढ़ना है और बुक्स में किसको दे के आती बेटा। चलो कोई बात नहीं, चलिए पहुंचते हैं घर पे फिर मिलते हैं आपसे, बाय। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और हमेशा मैं बोलती हूँ कि अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अभी मैं बनाऊंगी मेरे लिए चाय, मेरे लिए कॉफी, लेकिन आज मैं बनाऊंगी नहीं मेरे लिए चाय, मेरे लिए कॉफी, आज मेरे लिए बनाएगी चाय सानू, तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से उसको दूध डाल के दे दूंगी और वो चाय बनाएगी मेरे लिए और खुद के लिए। और अभी शाम के बजे हैं 5, चाय हम थोड़ी आज लेट पी रहे, थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई नहीं, बस। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे भी चाय पत्ती चीनी सब डाल, ठीक है, मैंने ऑन कर दिया गैस, ठीक है। अरे ये बुक तुम भेज दो वरना बुलाए थे ना, इसकी हनी पटेटो के नहीं है, नहीं नहीं वही है जो ना मुझे किया, तो इसको छोड़ जा, चीनी चाय पत्ती डाल जा, चाय वो दे दो, अच्छा से सॉस ऊपर है, इलायची अदरक इलायची देती हूँ, हटो। चाय पत्ती का क्या सीन है, चाय पत्ती का 2 चम्मच भर के डाल दूँगा,
तो हो जाएगा इसको साफ करके दे दूंगा तेरे को। ज्यादा बड़ा ना, बहुत ज्यादा ट्रक हमारा जो है चाय पत्ती तेज अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, कड़वी हो जाती है, तीखा मजा ही चाय पत्ती तेज ना आता है। ये रूमन, ये ले, और ये